आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चटपटी मसालेदार मैकरोनी की रेसिपी। बहुत सारी वेजिटेबल का प्रयोग इसमें करेंगे हम। आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर में इसे बनाकर खाने का भरपूर आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो आओ पहाड़ी कुकिंग चैनल पर देखते हैं क्या है मैकरोनी की पूरी रेसिपी। तो फिर देरी किस बात की, चलो करते हैं कुकिंग शुरू। चटपटे मसालेदार मैकरोनी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल मैंने ली हुई है और फाइन चॉप की हुई है। साथ में कैबेज है, कैरेट है, अनियन है, टमाटो है, जिंजर गार्लिक है, हरा धनिया है, ग्रीन चिली है। आपके पास जो वेजिटेबल अवेलेबल हो उसका प्रयोग आप मैकरोनी बनाने में कर सकते हैं। एक बॉल मैकरोनी का एक पैन में डाल दें, साथ में एक से डेढ़ गिलास वाटर का आपने डालना है। वाटर को स्मोक आने तक हीट करना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपने सॉल्ट का प्रयोग करना है इसे बॉईल करने में दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकरोनी हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो रही है। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल के लें और स्मोक आने तक मस्टर्ड ऑयल को हीट करना है दोस्तों। जब मस्टर्ड ऑयल हीट हो जाए तो थोड़ा सा जीरा मिर्ची सौंफ आपने डालनी है दोस्तों और थोड़ा स्टर करना है, इनको भूनना है आपने अच्छी तरह से। जब ये खड़े मसाले भून जाए आपके तो फिर जिंजर गार्लिक का प्रयोग आपने कर देना है दोस्तों। थोड़ा स्टर करना है जिंजर गार्लिक को, अच्छी तरह से आपने कुक करना है। हल्का सुनहरा कलर इनका लेना है। फिर अनियन को आप जिंजर गार्लिक में ऐड कर दें और प्याज को अच्छी तरह से स्टर करें। कुक करना है प्याज को आपने बेहतर तरीके से। साथ में ही आपने कैरेट का प्रयोग यहां पर कर देना है। कैरेट को भी स्टर करें प्याज के साथ। 2 से 3 मिनट के लिए आपने कैरेट को प्याज के साथ हल्का नरम भूनना है। फिर आपने कैबेज का प्रयोग यहाँ पर कर देना है। कैबेज को आपने थोड़ा स्टर करना है। अब हमारी वेजिटेबल थोड़ी नरम पड़ने लग गए हैं तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गर्म मसाला और 1 टेबलस्पून हम मिर्च पाउडर डालेंगे, जो नॉर्मल मिर्च पाउडर होता है दोस्तों। फिर स्टर करना है आपने पाउडर मसालों को, अच्छी तरह से वेजिटेबल के साथ मिलाना है। इनका पूरा फ्लेवर हम वेजिटेबल में लेंगे दोस्तों। तो स्टर करें थोड़ी देर के लिए पाउडर मसालों को। 1 से 1.5 मिनट पाउडर मसालों को स्टर करने के बाद आपने रफली चॉप किए हुए टमाटो को यहाँ पर डाल देना है। साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली डालें आप और 1 टेबलस्पून आपने सॉल्ट के डालनी है। सॉल्ट को आप स्वादानुसार डाल सकते हैं दोस्तों। फिर स्टर करना है टमाटो के साथ सॉल्ट को और साथ में जो वेजिटेबल हमने डाली हुई है उनको एक साथ अब कुक करेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। तब तक आपने स्टर करते रहना है बीच बीच में ताकि हमारी वेजिटेबल जले नहीं। फिर लीड से कवर करके कुक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल अच्छी तरह से कुक होगी है। तो बॉइल्ड की हुई मैकरोनी को हम यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों। फिर मैकरोनी को वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने, स्टर करना है बेहतर तरीके से ताकि पूरा फ्लेवर जो मसालों का है वो मैकरोनी में आ जाए। 1 से 1.5 मिनट आपने इसको स्टर करना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। अगर नीचे हमारी मैकरोनी लगेगी तो फिर जल जाएगी। तो आपने लगातार अपने हाथ को चलाना है और स्टर करना है, इसको थोड़ा रड़ना है हमने वेजिटेबल के साथ। स्टर करें फिर हम लीड से कवर करेंगे इसको 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी मैकरोनी अच्छी तरह से कुक होगी है, साथ में वेजिटेबल भी हमारी बेहतर तरीके से कुक हो गई है। यहाँ पर आप देखिए कितनी बेहतर हमारी मैकरोनी और वेजिटेबल लग रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे हम हरा धनिया, जो ग्रीन कोरिएंडर लीफ होता है उसका प्रयोग करें। अब आपके मैकरोनी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी प्लेटिंग हम कर देंगे और यहाँ पर देखिए कितनी लाजवाब हमारी मैकरोनी लग रही है दोस्तों वेजिटेबल के साथ। आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपके घर में मेहमान आए तो उनको भी आप परोस सकते हैं। मैकरोनी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।